मुंबई में कोरोना को लेकर नियम बदल गए हैं। अब बीएमसी ने 50 साल से ज्यादा के उम्र वालों को क्वारंटीन की स्थिति में उन्हें अनिवार्य रूप से कोविड केयर सेंटर में रखने का नियम बनाया है। मतलब ये कि अगर आप 50 साल से ज्यादा आपकी उम्र है और आपका कोरोना पॉजिटिव है तो आप अपने घर में क्वारंटीन नहीं हो सकते, इसके लिए आपको कोविड केयर सेंटर में ही रखा जाएगा। इस खबर पर डिटेल जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सुबोध कुमार मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुबोध, एक बड़ी खबर है, 50 साल से ज्यादा का व्यक्ति अगर पॉजिटिव होता है तो उन्हें घर में नहीं बल्कि कोविड केयर सेंटर में रखा जाएगा, और क्या डिटेल है आपके पास? देखिए मृत्युंजय जी, इसमें सबसे बड़ी बात यह थी कि जहां एक तरफ मुंबई में बीएमसी संक्रमित मरीजों की संख्या को जो रोकने में कंट्रोल करने में कामयाब रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जो लोगों की मौतों की संख्या थी वो कम नहीं हो पा रही थी। जब इस पर बात की गई तो देखा गया कि खासतौर से कि जो 50 साल से ऊपर के जो है, 50 से 60 साल के भी जो लोग हैं उनकी भी मौतों की संख्या जो है वो काफी ज्यादा है। जो पहले 60 से 70 और 70 से 80 वाले, उनकी तो मौत की संख्या थी, उसके बाद 50 से 60 साल की उम्र के भी लोगों की ज्यादा थी। इसी को लेकर के ही बीएमसी ने यह निर्णय लिया है कि जो भी जो होम क्वारंटीन की जो सुविधा थी, कि पहले ये था कि अगर आपका होम क्वारंटीन है, अगर आपके घर में सारी सुविधाएं उपलब्ध है तो घर पे किया जाए, लेकिन अब जो है नियम में बदलाव किया है बीएमसी ने। बीएमसी का कहना है कि 50 साल के ऊपर का कोई भी व्यक्ति हो, अगर उसमें लक्षण नहीं भी दिख रहे और अगर उसमें कोरोना पॉजिटिव पाया गया है तो उसको होम क्वारंटीन की जगह उसको कोविड सेंटर जो बीएमसी का है वहां भेजा जाएगा, ताकि अगर कोई भी उसको उपचार की जरूरत पड़े तो उसको तुरंत का तुरंत मुहैया कराया जा सके और जो ये मौतों की संख्या है, ये जो आंकड़ा है, इसको कंट्रोल करने की कोशिश की जा सके। जी मृत्युंजय जी, चलिए बहुत शुक्रिया आप सुबोध आपका इस पूरी जानकारी के लिए, महत्वपूर्ण खबर के लिए। और इसी पर आज शाम 6 बजे देखिए हमारा खास शो 50 पार होशियार, मतलब आपको क्या सावधानी बरतनी है और ये ऐसा बीएमसी ने क्यों किया है, इसी पर हम आपको बताएंगे डिटेल में जानकारी शाम 6 बजे। और इस बीच महाराष्ट्र में कोरोना के मामले तेजी से बढ़े हैं। कोरोना संक्रमण के मामलों में महाराष्ट्र पहले पायदान पर अभी बना हुआ है। 24 घंटे में यहां रिकॉर्ड 14,400 से ज्यादा लोग संक्रमित मिले हैं, वहीं 326 लोगों की मौत हो गई है। सिर्फ मुंबई में 1275 केस मिले हैं। इन मामलों के बाद राज्य में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 6,43,000 के पार पहुंच चुका है, वहीं अब तक 21,300 से ज्यादा लोगों की मौत भी हो गई है। और देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहां बीते 24 घंटे में सिर्फ 1215 नए संक्रमण के मामले सामने आए हैं। यहां संक्रमितों की संख्या 1,57,000 के पार है। अब तक कोरोना से यहां 4,200 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। इस पर डिटेल जानकारी के साथ हमारे संवाददाता समीर दीक्षित हैं। समीर, ये अच्छी बात है कि जो आंकड़े लगातार पहले बढ़ रहे थे दिल्ली में, वो पिछले कई दिनों से काबू में है, 1,000-1,200 यही रोज के आंकड़े आ रहे हैं, और क्या डिटेल इन्फॉर्मेशन है आपके पास? बिल्कुल मृत्युंजय, जिस तरीके से दिल्ली सरकार लगातार जो कदम उठाई है केंद्र सरकार के साथ मिलकर, उसके बेहतर नतीजे दिल्ली में देखने को मिल रहे हैं। एक और पॉजिटिव साइन ये कह सकते हैं कि दिल्ली में जो आज ये जानकारी सामने आई है कि अब तक जो केसेस का डबल होने का जो रेट था, यानी कि जो गति थी, वो हम देख रहे थे कि इस वक्त पूरे देश भर में वो तकरीबन 28 दिनों की है। यानी कि अगर एक एवरेज निकाले तो देश में ये निकल के आएगा कि जो कोरोना के केसेस के डबल होने की जो एवरेज स्पीड है वो 28 दिन है, जबकि दिल्ली में यही केसेस के डबल होने का जो एवरेज स्पीड है वो 100 से ज्यादा है, यानी कि 102 दिनों में दिल्ली में केस डबल हो रहे हैं। तो दिल्ली में कोरोना के फ्रंट पे ये कह सकते हैं कि कई ऐसे खबरें हैं जो काफी पॉजिटिव यानी कि अच्छे संकेत देती है, लेकिन अभी भी खतरा टला नहीं है। लिहाजा लगातार वो अपील बनाए हुए है सरकार की, लोग प्रिकॉशंस का फॉलोअप करें, लेकिन ये जो आंकड़े हैं जिनसे तस्वीरें बेहतर नजर आती हैं बाकी राज्यों की तुलना में, उससे उत्साहित होकर के दिल्ली राज्य सरकार ने आर्थिक मोर्चे पे कई बड़े फैसले किए हैं। मसलन बाजार को खोलने का फैसला किया है, शॉपिंग मॉल को खोलने का फैसला जो पहले ही किया था उसको और आगे ले जाने का फैसला किया गया है, साप्ताहिक बाजार को खोलने का फैसला किया गया है। तो ये सब कदमों के जरिए अब दिल्ली को आर्थिक मोर्चे पर भी पटरी पर लाने के लिए कवायद जो है वो और तेज हो गई है। जी मृत्युंजय।
ठीक है, ये आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, लेकिन समीर ने एक और बड़ी खबर दी है कि खाने के तेल पर इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ सकती है। जी हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण खबर है, और इस खबर को लेकर क्या जानकारी मिली है समीर को, कहाँ से जानकारी मिली है? समीर हमारे साथ बने हुए हैं। समीर, खाने के तेल पर इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ सकती है, क्या और डिटेल इन्फॉर्मेशन है आपके पास? बिल्कुल, सबसे पहले मृत्युंजय, ये सेक्टर में जो आपकी पकड़ है और खासकर जो आपका एक्सपर्टीज है, आप जरूर इस खबर को और इसमें एड ऑन कर पाएंगे। मैं आपको ये जानकारी दे सकता हूँ कि जो खाद्य मंत्री हैं रामविलास पासवान, उनसे अभी थोड़ी देर पहले ही हम बात कर रहे थे और हमने उस पर उनसे इस मसले पर एक सवाल पूछा कि कोरोना काल के दौरान जो एडिबल ऑयल की कीमतों में जो इजाफा हुआ है, इसको लेकर के सरकार का इस वक्त कैसा रुख है। तो ये बड़ी नई जानकारी सामने आई है कि सरकार एडिबल ऑयल की इंपोर्ट ड्यूटी पर बढ़ाने पर फिलहाल गंभीरता से विचार कर रही है, यानी कि आने वाले वक्त में हम देख सकते हैं कि एडिबल ऑयल की कीमतों को काबू में रखने के लिए सरकार इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा सकती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि देश में तकरीबन 60% ऑयल, एडिबल ऑयल इंपोर्ट किया जाता है, और कोविड टाइम के दौरान हमने ये देखा कि एडिबल ऑयल की कीमतों में तकरीबन 30-40% का इजाफा हुआ है, और आने वाले त्योहारी सीजन को देखते हुए सरकार इसको लेकर के काफी गंभीर है कि कहीं त्योहार के मौसम में महंगाई ज्यादा ना हो जाए और लोग काफी परेशान ना हो जाए, इसको लेकर के सरकार काफी सजग और गंभीर नजर आ रही है। इसमें एक और अहम जानकारी ये निकल के आई है कि पिछले महीने ही और अभी भी सरकार जो अहम बैठकें कर रही है उसमें केंद्रीय गृह मंत्री, अन्य जो कैबिनेट मंत्री रामविलास पासवान है, कॉमर्स मंत्री पीयूष गोयल है, इन सब कैबिनेट मंत्रियों के साथ 2 बार अहम बैठक हो चुकी है कि क्या एडिबल ऑयल की कीमतों को काबू में करने के लिए क्या कुछ कदम उठाए जाने चाहिए। अभी सरकार इस मसले पे काफी नजर बनाए हुए है, लेकिन यह जरूर है कि जो हमें सूत्रों के मुताबिक और जिस पर पुष्टि खुद मंत्री रामविलास पासवान ने करा है, उन्होंने ये साफ तौर पर कहा है कि इंपोर्ट ड्यूटी एक अहम मोर्चा हो सकता है जिस पर अगर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाते हैं तो एडिबल ऑयल की कीमतों को काबू में रखा जा सकता है। जी मृत्युंजय, ठीक है, देखिए प्राइस तो अलग मुद्दा है, लेकिन ये बड़ी खबर यह है कि इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाने की बात सरकार की तरफ से इसलिए हो रही है, इस पर लगातार जोर इसलिए दिया जा रहा है ताकि जो घरेलू किसान हैं तिलहन के, उनको अच्छा भाव मिले तिलहन का, और इसको ध्यान में रखते हुए और साथ ही जो पीएम ने कहा कि हमें आत्मनिर्भर बनना है, उस दिशा में एक कदम ये हो सकता है कि इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाकर इम्पोर्ट को कम करने का प्रयास किया जा सके। बहुत शुक्रिया समीर आपका इस पूरी खबर के लिए।